साफ है। पापा आप आ गए? पापा क्या हुआ? मालती को तो किचन में भेज दिया, सोनू के बारे में तो भूल ही गया। पापा क्यों डर रहे हो? अरे डरा नहीं हुई बेटा, मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हें ऐसे तैयार देख के। बोलो तैयार हो गई सोनू, क्या बात है, लेकिन तुम खेलने नहीं गई बेटा? नहीं बाबा, घर में इतनी सारी तैयारियां चल रही है, मामा मामी आने वाले, तो मैं आई की हेल्प कर रही थी, अभी इतने सब में खेलने कहाँ जाऊँ। अरे मामा मामी आने वाले हैं, आए तो नहीं ना अभी तक, तुम जाओ खेल ले। टप्पू सर मुझे पूछ रही थी कि सोनू कहाँ है, और रही बात आई का हाथ बटाने की, तो मैं आ गया हूँ, मैं हाथ बटा दूंगा। हाँ जाओ तुम खेलने जाओ। नहीं नहीं आज नहीं, मैं टप्पू को कॉल करके मना कर दी। टप्पू क्या हुआ बाबा? मना करने की जरूरत ही नहीं है सोनू, मैंने पहले ही मना कर दिया कि सोनू नहीं आ सकती, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा तुम आई का हाथ बटाओ और ये जो श्रीखंड लाया हूँ मैं उसको फ्रिज में रख दो। सोनू ऐसे क्या देख रही है मुझे, जैसे मैं चौरस पे खड़ा हुआ कोई पुतला हूँ। अरे जाना है? हाँ हाँ जा रही हूँ। फटाफट जाके साड़ी अंदर रख देता हूँ। ठीक हूँ, मैंने तुम्हें फोन करके बोला था मुझे चाय चाहिए, कहाँ है चाय? हाँ अभी तो रखी है, उबल रही है चाय पत्ती। अच्छा उबल दे दो, तो जाके देखो कहीं उबल के बाहर ना आ जाए। वो सोनू देख रही है, आप मेरी साड़ी कहाँ रखी है बताइए, मुझे तैयार होना है जल्दी से। बताता हूँ माधवी, अभी मैं बाहर से आई हूँ, थक के आया हूँ, जरा दो मिनट शांति से बैठने तो दो। रिलैक्स, आप भी बताइए कहाँ रखी है साड़ी आपने। ये पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ नहीं नींबू शरबत लाओ। आपको पानी चाहिए, नींबू शरबत चाहिए, चाय चाहिए, मौका चाहिए? हाँ मतलब जो जल्दी मिले वो चाहिए। अरे क्या है, तुम्हारा भाई आ रहा है ना विनायक, उस खुशी में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है इसलिए। अच्छा जाना। हाँ हाँ जाते। अभी कोई विघ्न नहीं चाहिए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या साड़ी रखे, साड़ी लेने आया था, तुम्हें साड़ी चाहिए ना? वो अलमारी में साड़ी नहीं है। साड़ी अलमारी में है माधवी, अभी देते। ये क्या है? भैया ये अलमारी में से कैसे निकली? मैंने दो बार चेक किया था तभी नहीं थी। वो क्या है ना मानती, तुम इतनी खुश हो ना आज विनायक आ रहा है इसलिए, तो इस खुशी के बारे तुम्हें सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं थी। पेड़ी से भी लेकिन सोनू ने भी चेक की थी, उसको भी नहीं दिखी। तुमने भी इसी अलमारी में साड़ी चेक की थी? नहीं नहीं नसीब देखो तुम्हारा, सामने रखी हुई साड़ी भी तुम्हें दिखाई नहीं थी। बोलो करो समझे, कमाल चली ये वही साड़ी, ये कुछ अलग दिख रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। वही तो साड़ी है, मतलब सुबह अलग दिख रही थी साड़ी, अभी अलग दिख रही है। क्या बोल रही हो तुम, सेम ही तो है। इसका कलर अलग दिख रहा है। ये साड़ी गिरगिट थोड़ी जो अपना कलर बदल देगी। नहीं नहीं मतलब सुबह आपको इस्त्री करने दी थी ना साड़ी, तभी इसका कलर अलग था, अभी ये अलग दिख रहा है कलर। हाँ याद आया, साड़ी को इस्त्री करनी थी ना, तो मैंने सोचा कि विनय को कैसे सब कड़क पसंद है ना सारी चीजें एकदम कड़क कड़क, तो मैंने सोचा कि जरा साड़ी को भी एकदम कड़क इस्त्री कर दूं, तो थोड़ा ज्यादा गर्म करके इस्त्री को मैंने साड़ी को प्रेस किया है, तो हो सकता है गर्मी की वजह से कलर चेंज हो गया। आपके चेहरे का कलर भी बदला बदला लग रहा है। ये तो बदले गए ना माधवी, मेरा साला आ रहा है विनायक, तो मैं भी खिल गया हूँ। अलग दिख रहा है कलर ये।
अरे माधवी उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो मैंने साड़ी को एक बार इस्त्री की तो साड़ी का कलर बदल गया, मैं दोबारा इस्त्री करूंगा तो दूसरी बार कलर बदलेगा, फिर से करूंगा तो फिर बदलेगा। मतलब एक ही साड़ी के दाम में कितनी सारी साड़ियां पहनने को मिलेगी तुम्हें? क्या कुछ भी, वो आप जरा ब्लाउज निकालिए अलमारी में है, काढ़ा ना बाहर। ये तो सेम ही है ना, इसका क्या कलर बदला है? अरे कैसे बदलेगा, इसको मैंने से ज्यादा कड़क इस्त्री नहीं की ना, एकदम ऊपर ऊपर से की है, इसलिए कलर नहीं बदला है। माधवी तुम अभी ज्यादा सोचना छोड़ो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, विनायक आता ही होगा, फिर हम सब मिलकर विनायक का कड़क स्वागत करेंगे। हाँ